हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए, गैब्रियल थैलामाइड दोस्तों ऐसे बनता है, बेंजीन रिंग के आगे दो CO और फिर एक NH। लेकिन मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा शक्ल इसकी थोड़ी सी बदल रहा हूँ, जिससे ये बहुत ही आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहले हम इसकी कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही पावर होती है। पहले हम इसकी कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम ये कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, गैब्रियल थैलामाइड जो एमाइड है, वो हमारा अमाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये जो गैब्रियल थैलामाइड है, यहाँ पर जो एच है, इस एच को हमें फाइनली रिप्लेस करना है ओ एच से, और कहीं ना कहीं हमें इसका जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसका अल्कोहलिक के ओ एच से हम जब रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो एच है वो ओ एच के साथ जाकर पानी बाहर निकाल देता है। इसका हमने पानी बाहर निकाल दिया, और दोस्तों इस यहाँ हमने लगा दिया पोटेशियम। इसको मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है, मैं ये आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर अभी आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पोटेशियम हमने लगा दिया, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पोटेशियम को हटाकर हमें फाइनली आर ग्रुप लगाना है। तो हमने हेलो एल्केन लिया, और हेलो एल्केन को हमने, यानी हेलो एल्केन जो हेलोजन है और एल्केन एटम साथ में, हेलो एल्केन हमने के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारा R हमें मिल गया और KX यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब हमें जो मिलेगा दोस्तों, उसका हम हाइड्रोलिसिस करके, यानी कि पानी की रिएक्शन करवा कर, हम यहाँ से आसानी से अमाइन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे, अब मैं थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, जिससे आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो गैब्रियल थैलामाइड है, ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गुड्डे की तरह है। यहाँ पर इसका फेस है, और ये उसके हाथ हैं, और ये कहीं ना कहीं इसके एक लेग है, जो कि हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं चिड़ियों वगैरह को भगाने के लिए। वो यहाँ पर एक पूरा का पूरा हमारे पास एक टॉय टाइप बन चुका है। यहाँ पर एच लगा हुआ है, यहाँ पर एन, इसकी आप शक्ल याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी, COO और NH। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि इसका एच हमें सिंपली रिप्लेस करना है के से, जो कि हमने रिप्लेस कर दिया है। कि अब देखें कि हमने KOH लिया, K को रिप्लेस करने के लिए करेंगे KOH लिया, तो हमने यहाँ पर इसके दो लेग लगा दिए। अब ये थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा हैप्पी हो गया, क्योंकि जैसे ही इसके साथ K लगा, यहाँ पर इसके दो लेग लग चुके हैं। अब दो लेग लगने के साथ ये काफ़ी हैप्पी हो चुका है, और स्टेबल भी हो चुका है उसकी कंडीशन में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि RX, जब हमने इसको हटा दिया और हमने यहाँ पर फिर से R लगा दिया, तो अब दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो के लगा था वो आर से रिप्लेस हो चुका है। यहाँ ये जो आर है वो यहाँ से आया था। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको फिर से हैप्पी करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके दो लेग लगा देंगे, जो कि हम इसका हाइड्रोलिसिस करके कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस जब हम इसका करेंगे, हमें फाइनल टारगेट क्या है दोस्तों, RNH2 बनाना है। तो हम यहाँ करेंगे आर और एन को बाहर निकाल लेंगे, और आर एन को बाहर निकाल कर हम इसमें हाइड्रोजन दे देंगे, तो हमारा RNH2 यानी अमाइन बन जाएगा। अब हम देखिए, जब हमने इसके दो लेग दे दिए, तो ये फिर से ही खुश हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर COO और यहाँ पर OH, जो कि पानी से आए हैं। जब हमने 2H2 लिए यहाँ पर, तो हमारे पास 2OH आए और 2H आए, तो 2H हमारे यहाँ चले गए दोस्तों, और 2OH हमारे यहाँ आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि गैब्रियल थैलामाइड की शक्ल ये है। हमने इसको H को रिप्लेस किया K से, फिर K को रिप्लेस किया R से, और फिर फाइनली आर में पानी मिलाकर हमने इसको बना लिया अमाइन। तो यहाँ पर हम दोस्तों ट्रिक बना सकते हैं, थैलामाइड की शक्ल आप याद कर लें, और इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं, हैकर पानी पीकर अमाइन बनाता है। हैकर पानी पीकर अमाइन बनाता है, हैकर दोस्तों, हैकर HKR, हैकर पानी पीकर अमाइन बनाता है। पानी पीकर यानी कि जब आप H को K से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर आपको KO डालना पड़ेगा, फिर K को आपको R से रिप्लेस करना है RX डालकर, और फिर RXR को आपको रिप्लेस करना है पानी से OS से, यानी H2O से। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको समझ में आई रिएक्शन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।